लाख? अरे 5 लाख तो छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। संजना, जब से मॉम डैड से अलग हुआ ना, तब से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी कोई हैसियत नहीं बनाई, लेकिन तुम्हारा आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी भी 5 लाख की हैसियत हो गई। संजना, मैं अपनी मॉम डैड के रिश्ते को कभी समझ नहीं पाया। अगर उन्हें साथ नहीं रहना था तो उन्होंने शादी क्यों की? साथ रहते थे तो झगड़ते थे, और जब एक दूसरे से अलग रहते थे तो एक दूसरे को मिस करते थे। आई थिंक तुम्हारा पति भी तुम्हें मिस कर रहा है, इसलिए यू टेल मी, तो साथ चलते हैं और 2.5 लाख आपस में बांट लेते हैं, क्यों? तुम्हें ज्यादा चाहिए? बोल दो, बोलो बोलो, सोच लो, मैं भी सोच लेता हूं। वो कहते हैं ना, कोई भी कदम उठाने से पहले अगर अच्छी तरह से सोच लिया जाए तो आगे चलकर अफसोस नहीं होता, है ना? तो जब तक तुम और मैं पूरी तरह से सोच ना लें, तुम इस अखबार को जरा संभाल के रखना अपने पास। मैं बस यूं गया और यूं आया, चेंज कर। मम्मी जी आपकी चाय। अजय आ गया ऑफिस से? अभी नहीं, बैठो राधा, यहीं बैठ के जाती। मम्मी जी वो ये चाय देवयानी दीदी के लिए। घर में सबको बुरा लगा ना कि मैं देवयानी को पुलिस स्टेशन से छुड़ा कर वापस ले आई, सब नाराज है ना मुझसे? मम्मी जी नाराज तो सब हैं, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं जानती हूं कि आपने जो फैसला किया है सोच समझ कर ही किया होगा। कभी कभी वक्त और हालात को समझने में इंसान का बस नहीं चलता। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, अजय, रवि भैया, बुआ जी या किसी के लिए भी इन हालातों को समझना मुश्किल है। और मैं तो बस एक बात जानती हूँ कि एक माँ की ममता में अपने बच्चों के लिए कोई खोट नहीं होती, और ये बात सब बहुत जल्द समझ जाएंगे। अजय से कहना, कभी कभी इंसान को कुछ फैसले अपने खिलाफ खड़े होकर करने पड़ते हैं। मैं जानती हूँ बच्चे आज मुझे समझ नहीं पा रहे, लेकिन कल उन्हें एहसास होगा कि मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया। तुमने 5 लाख के टुकड़े टुकड़े कर दिए? अरे गॉड, क्या क्या सोचा नहीं था इसके बारे में। बॉक्सिंग के सामान का किट खरीदता मैं, कोई अच्छे क्लब की मेंबरशिप ज्वाइन करता मैं,
क्या किया तुमने? आपको 5 लाख रुपए चाहिए? मैं अपने लिए नहीं, तो तुम्हारे लिए सोच रहा था। अब देखो ना, तुम अगर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हें अपनी हिफाजत करने में कितनी आसानी होगी, है ना? क्लब जाओगी, वहां हाई सोसाइटी के लोग आते हैं, तो वहां तुम्हारी इंसल्ट ना हो, इसमें तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हाँ, आई स्वेयर संजना, मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अगर ये चांस नहीं लेना चाहती हो तो नो प्रॉब्लम, हम लोग एक काम करते हैं, ये इनाम का आइडिया कैंसिल कर देते हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम। देखो संजना, तुम्हारे लिए एक सलाह है। क्या ना, जब तक तुम अपनी सुइसाइड का प्लान फाइनल ना कर दो ना, तुम्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। क्या ना, अखबार में इनाम के साथ साथ तुम्हारे नाम भी छपा है वहां, और इनाम के बारे में पढ़कर किसी की भी नियत बिगड़ सकती है, तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। We understand. और हाँ, आज हमारी दोस्ती की पहला दिन बीत गया, ग्रेट। नहीं, इसी खुशी में फिर से मुंह मीठा कर लो। जी दीदी, मुझसे कुछ काम था, मैं मॉम से मिलने जा रही हूँ। अगर घर में मेरे बारे में कोई पूछे तो बता देना मैं मॉम से मिलने गई हूँ। कितनी अजीब बात है दीदी, आज आप मुझे बता रही हैं आप कहाँ जा रही हैं, आप कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, ये सारी बातें तो आपने मुझे पहले कभी नहीं बताई। तो फिर आज अचानक ये बदलाव, और पहले आपको माँ जी की याद कभी नहीं आई, तो फिर आज कोई काम आ गया होगा उनसे, है ना? राधा, फिलहाल मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैं भी आपका कोई जवाब नहीं सुनना चाहती दीदी, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। जब घर में बड़े मौजूद हूँ तो छोटों का फर्ज बनता है कि वो जो करे बड़ों को बताकर करे, तो इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप जहां जाना चाहती हैं आप या तो रवि भैया को फोन करके बता दीजिए या तो मम्मी जी को बता दीजिए, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी लेने की मुझ में हिम्मत नहीं बची। मुझे यहां से ले चलो, लेकिन हम संजना को मिल नहीं पाए। क्या क्या सोचा होगा संजना ने, इसीलिए वो विशाल का घर छोड़ने के बाद अपने घर नहीं आई। एक ही बेटी है हमारी रोहिणी, उस पर भरोसा रखो, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। मानो या ना मानो, विशाल संजना के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। हमें क्या पता संजना ने उसका घर छोड़ा भी है या नहीं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है संजना के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमने अपनी बेटी को खो तो नहीं दिया है। रोहिणी, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर संजना को कुछ हो गया तो मैं विशाल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
आप यहाँ? कुछ काम है मुझसे? हाँ तारा, वो मैं तुमसे ये कहने आई थी कि... एक मिनट, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब भी कुछ बाकी रह गया कहने और सुनने के लिए? आपने हमारे परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया, उसके बाद भी आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? और प्लीज भाभी, मुझसे हमदर्दी की उम्मीद भी मत कीजिएगा। मैं जानती हूं तारा, इस घर में मैं किसी से भी हमदर्दी की उम्मीद नहीं रख सकती। काम ही ऐसा किया है मैंने, ना किसी रिश्ते को माना, ना किसी की भावनाओं की कदर की। मैं तो उस जगह पे खड़ी हूं आज जहां मैं तुम सबको ये एहसास भी नहीं दिला सकती कि अपनी की हुई गलतियों का कितना पछतावा है मुझे। जानती हो तारा, एक इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा क्या होती है? उसकी अपनी ही नजरों से गिर जाना। मुझे तो लगता है अब मुझे पूरी जिंदगी भर ये सजा काटनी है। भुगतना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। मुझे इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपने हम लोगों को धोखा दिया, मगर इस बात से पड़ता है कि आपने रवि भैया को धोखा दिया, उस रिश्ते को धोखा दिया जिससे खून का रिश्ता बनता है, दुनिया जलती है जिस रिश्ते के नाम की कसमें खाई जाती हैं। आपने उस रिश्ते को धोखा दिया। 7 जन्म और 7 वचनों को तो छोड़िए, आपने तो आपने हम सबके सर से हमारे पिता का साया छीना है, और सर से बाप का साया छीन जाना इसका मतलब समझती हैं आप? और उसके बाद भी आप मुझसे उम्मीद करती हैं? आज ही समझ पाई हूं, उसी प्यार में ही तो अंधी हो गई थी। ये नहीं समझ पाई कि एक के लिए प्यार दूसरों से नफरत कैसे करा सकता है, और जब समझ पाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज मैं अपने लिए नहीं आई हूं तारा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मुझ पर ना सही, राधा से अपना भरोसा मत टूटने देना। वो बुरी नहीं है, उसे गलत मत समझना। किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, ये मुझे आप मत सिखाइए देवयानी भाभी। अजय, अजय आज देवयानी दीदी आई थी ये कहने के लिए कि वो अपनी मम्मी से मिले जाना चाहती है, और मैंने उनसे कह दिया कि उन्हें जो करना है वो या तो रवि भैया को बता दे या मम्मी जी से कह के जाए। राधा, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन अजय, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि बड़ों को बता के जाए। राधा प्लीज, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। उनके साथ हमारा रिश्ता था जिसे खत्म करने की जिम्मेदार वो खुद है। विश्वासघात की नींव पर बने इस रिश्ते की मेरे पास कोई अहमियत नहीं है। और हाँ, तुम्हें एक जरूरी न्यूज देनी थी। क्या बात है? संजना घर से लापता है, शी इज मिसिंग। क्या?
हेलो जी, सॉरी सर, आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली आपका मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा था, इसलिए मैंने आपकी लैंडलाइन पर फोन किया है। आप मिस्टर कुणाल कपूर ही बोल रहे हैं ना? आप कौन बोल रही हैं और आपको किससे बात करनी है? जी, मेरा नाम गौरी है, गौरी दीवान। मैं मिस्टर कुणाल कपूर से मिलना चाहती हूँ। किस सिलसिले में बात करनी है आपको कुणाल साहब से? जी, मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, बस इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कुणाल साहब का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। देखिए कुणाल साहब एक महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया गए, वो जब एक महीने बाद लौटेंगे तब आप फोन कीजिएगा। हेलो हेलो, लगता है बाप अपनी दूसरी बेटी को ढाल बनाकर अपनी तबाही से बचना चाहता है। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। देवराज दीवान, तुम्हारी ये चाल कभी कामयाब नहीं होगी। अपने कर्मों का फल तुम्हें खुद भुगतना होगा। कैसे हैं आप? लगता है हम लोग इस पार्क में पहले मिल चुके हैं। आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए मिस्टर, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विद मी। मेरे साथ होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। साफ साफ बताओ, संजना कहाँ? संजना? कौन संजना? अच्छा, तुम इतनी जल्दी भूल गए संजना का नाम। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। संजना मेरी पत्नी, बताओ तुमने कहाँ छिपा के रखा उसे? आप भी कमाल करते मिस्टर, व्हाटएवर, बीवी आपकी है और उनके बारे में पूछताछ आप मुझसे कर रहे हैं। आई मीन स्ट्रेंज इजंट इट? एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे कॉलर तक हाथ पहुंचने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। और जहां तक आपकी धर्म पत्नी का सवाल, उस दिन आपसे मिलने के बाद मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, ये गलत है। लेकिन नहीं, वो डिसाइड कर चुकी थी कि वो सुइसाइड करेंगी, और वो तो सुइसाइड करने चली गई। वैसे तो अब तक ये बात सिर्फ मैं जानता था, लेकिन अब आप भी जान चुके हैं। और अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो आपका पासपोर्ट तो थाने पहुंच जाएगा, और आप सलाखों के पीछे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए कहता हूं, रात से दूर रहने में आपकी भलाई। Got it? You better get it. All right? Excuse me. I'm getting late. See you.